अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम एबटाबाद। तो आज आप सोच रहे होंगे अचानक एबटाबाद कैसे है, क्योंकि कल से हमने अपने वापसी का सफ़र शुरू किया था। तो वापसी का सफ़र हमारा बड़ा ही दुश्वार गुजार रहा, बड़ी हमने मुश्किलों से यानी कि हमारा सफ़र चला था, और उम्मीद है आगे हमारा सफ़र बेहतर रहेगा। स्टार्ट तो ये हुआ कि जब हम सुबह फेरी मेडोज उठे तो बर्फ़बारी स्टार्ट थी और बारिश थी रात 2 बजे से। तो वहाँ तो एक तो वैसे ही ट्रैक स्लिपरी हो गया, और वो नीचे आए तो उसके बाद जीप ट्रैक काफ़ी डिफिकल्ट सा था क्योंकि पानी की बारिश की वजह से। फिर हम वहाँ से नीचे आए, चिलास पहुँचे, भीगे हुए थे फुल, तो चेंज वगैरह करके वहाँ पे लास्ट वीडियो का एंड किया था। फिर उसके बाद हम चिलास के लिए निकले जब रायकोट से, तो रास्ते में हो गया टायर पंचर गाड़ी का, एक वो इशू। तो वो वीडियो आप देखें कि वो हुआ क्या हमारे साथ कल था। अब थोड़ी सी मुशक्कत बढ़ने लगी है यार, ये सामान पकड़े भाई, टायर पंचर है, तो अब दोबारा से सारा कुछ निकाल के, स्टेपनी निकाल के फिर टायर सेट करना है। मल्टी टैलेंटेड जैन भाई, हाय जैन भाई, जैसा आपने देखा जी, अब टायर पंचर कर लगवा, स्टेपनी चेंज करके आगे निकले, फिर चिलास जाके पंचर लगवाया। उसके बाद हम 7 बजे के करीब दासू से थोड़ा पहले पहुंचे हैं, तो वहां पर पुलिस खड़ी हुई थी, उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था क्योंकि आगे पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था, बारिश काफ़ी हुई हुई थी। तो वहाँ 7 बजे से लेकर रात 3 बजे तक हम फंसे रहे, और वो बहुत ही मुश्किल था। मजार ला ला अपना, सिर्फ नबज देखनी हो जैसे एक्टिंग करके ठीक हो जाएंगे। फिर उसके बाद का सफ़र इतना थका देने वाला सफ़र था कि ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रहा था। तो वो फिर अल्लाह अल्लाह करके जी अब एबटाबाद पहुँचे हैं, और अब एबटाबाद से हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, और अब इफ्तारी के टाइम होने वाला ऑलमोस्ट, तो अब जाके फिर इफ्तारी करते हैं और आपको दिखाते हैं सज्जी के मज़ेदारे। जी तो खाबा शाबा खा के फुल टाइम रच के अब अपना अगली मंजिल है हमारी फार्म हाउस। अब फार्म हाउस जा रहे हैं, तो मोटरवे पे, हज़ारा मोटरवे और खूबसूरत मोटरवे एंजॉय करते हुए चलते हैं। आए आपको भी साथ नज़ारे एंजॉय करते हैं।
जी तो फाइनली पहुंच गए हैं पिंडी फार्म हाउस पर। ऑलमोस्ट 2.25 घंटे लगे हैं, 8:30 पहुंच गए थे लेकिन अब 9 बज गए हैं। अब गाड़ी से सारा सामान वगैरह भी निकाल लिया है क्योंकि इसको रीपैक करना है सब सामान को। अब वैसे तो हमने सारा सामान ऐसे ही इधर उधर रख दिया था क्योंकि थके हुए इतना थे, अब दोबारा से सेटिंग करके निकलेंगे नॉर्थ की तरफ। तो अब अगला सीन ये है कि अक्सर का प्लान है कि क्रिकेट खेलते हैं थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट के लिए, लेकिन टुडे बच्चे हुए हैं, आराम का मूड है, पर देखते हैं बाकी। जी तो सीन अब ये है कि बारिश स्टार्ट हो गई है और क्रिकेट का सीन हो गया कैंसिल क्योंकि बारिश में तो खेलने का किसी का भी मूड नहीं है। तो मौसम तो खैर सुहाना हो गया है अब, लेकिन अब आराम ही करने का टाइम है। तो इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी न्यू वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।